गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। फॉर एग्जांपल आपका कहीं ट्रैवल हो गया, बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल हो गया, दो आप अपने वेट लॉस मेंटेनेंस पे हो या फिर आप वेट लॉस जर्नी पे हो और ट्रैवल आ गया है इक्वल टू वेट गेन। फॉर एग्जांपल आपको किसी बहुत ही ज़रूरी पार्टी अटेंड करनी पड़ गई या कहीं पे कुछ इवेंट अटेंड करना पड़ गया और आपको खाना भी पड़ गया या आपने खाया भी। मैं जानती हूँ और मैं इतना समझती हूँ कि अब आप लोग इतने ज़्यादा समझदार हो गए होंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, बट स्टिल अगर आपने बहुत बुरी सिचुएशन में फंस के खाया है या दिल से खाया है, इट्स ओके, हम ह्यूमंस हैं, तब भी आपका वेट जो है वो इक्वल टू गेन। सो ऐसी सिचुएशन में ना नेक्स्ट डे आप लोग क्या करते होगे कि हाँ पूरे दिन लिक्विड कर लेते हैं, पूरे दिन भूखे मर लेते हैं, पूरे दिन फ्रूट्स पे आ जाते हैं, पूरे दिन जूस डाइट कर लेते हैं या पूरे दिन फास्टिंग कर लेते हैं, अगले दिन तो बैक हो जाएगा नॉर्मल। गलत, काटा। अगले दिन हम करेंगे डिटॉक्स, अपनी बॉडी को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, दो जो खाया वो इतना गंदा नहीं खाते कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया बॉडी के अंदर, नहीं, बट हम अपने आप को एक ट्रैक करेंगे चीज़ों को लेकर। डिटॉक्स बॉडी करने का इक्वल टू मीन होता है अपनी बॉडी को रेस्ट देना, अपनी बॉडी में बहुत सारा पानी डालना, फ्लश ऑफ करना चीज़ों को, बॉडी को मालिश कराना, अपने आप को पैम्पर करना और ढंग का खाना खाना, जिसकी हेल्प से आपका जो वेट गेन आया है, वेट जो गेन आता है एक दिन में 1 किलो 1.5 किलो, वो फैट नहीं होता, रात ही रात में कभी फैट नहीं बढ़ता, वो वाटर रिटेंशन है या आपकी बॉडी सूज गई है, थक गई है, एग्जॉस्ट हो गई है, तो उसको रेस्ट देंगे ना। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ 1 डे का डिटॉक्स प्लान, जिसको करने से आपका जो एकदम से बिल्कुल बैंड बज गया ना बॉडी का, वो ठीक हो जाएगा। मेरे को ये डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा महीने में कम से कम 10 से 15 बार बैंड बजता है और मैं बहुत ही भागा दौड़ी में रहती हूँ, बट मैं अगले दिन अपने आप को ना नॉर्मल करना जानती हूँ, अपनी बॉडी को समझती हूँ, पहचानती हूँ। सेम आपको भी करना चाहिए। कब तक किसी को पैसे दे के भरते रहोगे ना, खुद सीखो, चीज़ों को सीखो, लर्न करो, आगे बढ़ो और इतना अच्छे तरीके से आप अपनी बॉडी को समझो कि आपको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत ना हो आपकी बॉडी को सही करने की, संभालने की या ठीक करने की। सो सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है डिटॉक्स का, 8 घंटे की नींद लेना, अपनी बॉडी को रेस्ट दो। मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, कभी कभी पल्पिटेशन होती है, नींद नहीं आती, इट्स ओके, जस्ट आप बेड पे लेटे रहो और अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, रेस्ट दो। नंबर 2, ब्रेकफास्ट हैवी खाओ, अच्छा खाओ और कुछ ऐसा खाओ जिसकी हेल्प से आपको लाइट फील हो। नंबर 3, गर्म पानी से शावर लेंगे दिन में 2 बार, वो भी नमक वाले पानी से, उससे आपकी बॉडी की सारी नेगेटिविटी हटेगी, बॉडी को आराम मिलेगा, स्वेलिंग हटेगी। नंबर 4, मालिश, किसी भी एक पर्सन के बोल के अपनी मालिश कराओ ताकि आपकी बॉडी का जो स्वेलिंग है उसको आराम मिले, आपकी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिले नारियल का गरम गरम तेल से। नेक्स्ट, मेक श्योर आप कहीं भी उस दिन ट्रैवल ना करो, ना भागा दौड़ी करो, जस्ट बेड पे आराम से अपने आप को रेस्ट दो और नेक्स्ट डे आप देखना आप बिल्कुल स्वेलिंग गायब और बिल्कुल फिट एंड फाइन फील करोगे। सो खाना क्या है इससे वाले दिन में, है ना, खाएंगे क्या? सो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग हमारे मॉर्निंग जूस के साथ। सो ये रहा जूस का रेसिपी, इनमें से कोई भी जूस आप पिक कर सकते हो और ले सकते हो सुबह के। सुबह आप लेंगे 8 बजे 9 बजे, जितने बजे मर्जी आप उठे हो, मेक श्योर आप अपनी नींद पूरी करके उठो, राइट? सो दिस जूस लेंगे हम। नेक्स्ट अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। सो ब्रेकफास्ट में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फ्रूट्स ही खाएंगे, ना ना ना, कुछ समथिंग लाइट फिलिंग और बहुत सारी सब्जियों वाला। सो हम बनाएंगे वेजीज इडली। सो बनेगी कैसे, चलते हैं किचन में। ओके जी, सो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं वेजीज वाली इडली। सो ये मेरे पास रवा इडली का मिक्सचर पड़ा है, ये मैंने लिया रवा इडली का मिक्सचर। आप रेडीमेड मिक्सचर भी ले सकते हो इडली का, ड्राई वाला, घर पे भी सूजी आप यूज़ कर सकते हो, बट ये मेरे पास मिक्सचर है सो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है दही, 1 कटोरी मैंने मिक्सचर लिया है, 2 करछी जितना मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 गिलास जितना पानी और अब इसको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इस बैटर को रेस्ट करने देंगे फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए। ऑलराइट, सो ये जो है बैटर हमारा रेडी है। इसके अंदर अब मैं डालूंगी यहाँ पर थोड़ी सी वेजीज। यहाँ पे मेरे पास है अनियन, कैप्सिकम छोटा छोटा चॉप करके, कैरेट, नेक्स्ट इज मेरे पास है बीन्स, हाँ,
अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब दोबारा से हम इस मिक्सचर को रेस्ट करने देंगे फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए और। ओके जी, सो ये रेडी है, ये रहे मेरे इडली स्टैंड और इसके ऊपर मैंने एक एक ड्रॉप घी लगा दिया है। यहाँ पे अब मैं ये बैटर डालूंगी, एक एक करछी, ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 करछी। और एक बारी में एक पर्सन ले सकता है 4। 4 से ऊपर इडली नहीं लेनी, यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ, 4 से ऊपर इडली नहीं लेनी। सो ये रेडी है। ओके जी, ओके, सो अब हम इसे कुक होने देंगे एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए तेज़ आंच पर। पानी है जो भाप है उससे ही बनेगी। ओके जी, सो नाउ इट्स एब्सोल्युटली रेडी, बट हम इसको ठंडा होने देंगे। अगर आप गरम गरम इसको निकालोगे वो बिल्कुल टूट जाएगी। ओके जी, सो ये है टफी की इडली, बीन्स वाली, वो ये सब नहीं खाएगा। सो ये टफी की इडली है, ये 4 हमारी डिटॉक्स इडली है जो हम खाएंगे अपने ब्रेकफास्ट में। दे रहे हैं। हियर वी हैव आवर प्लेट एंड दिस इज रेडी। वेलकम बैक जी। सो इडली और सब्जी और नारियल की चटनी खा के और चाय पी के तो मज़ा आ गया होगा, पेट भर गया। अब हम करेंगे रेस्ट, अब बॉडी को दो रेस्ट, सो जाओ थोड़ी देर के लिए। उठेंगे, मिड ब्रेकफास्ट क्या लेंगे? मिड ब्रेकफास्ट के अंदर आपने लेना है 10 आलमंड्स ओवरनाइट सोक्ड या फिर मुट्ठी भर भुना चना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लंच की। लंच के अंदर मेक श्योर आप लेंगे सूप। कौन सा सूप लेंगे? कोकोनट एप्पल सूप लेंगे या फिर टमाटो सूप लेंगे या फिर आप यहाँ पे ब्रोकली का सूप लेंगे या फिर यहाँ पे आप पम्पकिन का सूप लेंगे। इनमें से कोई भी एक सूप लेंगे, मेक श्योर आप इसमें सॉल्ट मत ऐड कीजिएगा। सॉल्ट जो हमने ऐड किया है वो जस्ट मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में लेंगे। बात करते हैं इवनिंग के टाइम पे, इवनिंग टी कौन सी लेंगे? हम लेंगे लेमन ग्रास टी। लेमन ग्रास टी के साथ हम कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं चाहिए, बस बॉडी को रेस्ट दो, बेड पे रहो। अब आती है डिनर की बात। सो डिनर में अब हम क्या लें ऐसा कि हमें नींद अच्छे से आ जाए और बिल्कुल हम शांत होकर सो जाएं। सो डिनर से पहले ले लीजिए एक शावर, अच्छे से नहा लीजिए गर्म पानी से और उसके बाद आप लेंगे डिनर। डिनर में हम लेंगे या तो कोकोनट शीरा या फिर हम लेंगे सूजी वाला शीरा, इन दोनों में से कोई भी एक शीरा, और उसके बाद सीधा चले जाओ बेड पे। नो नाइट ड्रिंक, नथिंग, नॉर्मल वाटर लेंगे हम 3.5 से 4 लीटर सिप करके। एंड मेक श्योर आप अपने यूरिन को बिल्कुल होल्ड नहीं करेंगे उस दिन, बिल्कुल भी नहीं। इफ़ यू फील लाइक कि हाँ आपको पास करना है यूरिन, आप तुरंत जाइए और अपना यूरिन पास कीजिए, यूरिन को होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना। और नेक्स्ट डे आप देखना आपकी बॉडी बैक टू दी शेप हो जाएगी, एकदम लीन दिखेगी और आप बहुत अच्छा फिट एंड फाइन फील करेंगे। So yeah, that's all about this video. I hope this video is useful for you. जो जो लोग थकते हैं और एकदम exhaust हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कैसे करें, थोड़ी सी अपनी body पे दया कीजिए क्योंकि आपकी body ही है जिसने end तक आपका साथ देना है। कोई भी नहीं आएगा आपको help करने, कोई भी नहीं। मेरी mother जब ICU में enter कर रही थी ना, मैंने कहा मेरे को अंदर जाने दो, मुझे जाने भी नहीं दिया। तो अंदर कौन गया? मेरी मम्मा और उनकी बॉडी, है ना। सिर्फ बॉडी ही चलेगी आपके साथ और किसी पर्सन ने आपका साथ नहीं देना। सो मेक श्योर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी बॉडी है। आज के टाइम में सबसे रहीस इंसान वो है जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, क्यों? करेक्ट। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।